हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जो पौधा दिखाने वाला हूँ वे बिल्कुल अलग है, अनोखा है। शायद ही आप लोगों ने आज से पहले इसको देखा होगा। तो दोस्तों, जिस पौधे के बारे में मैं आपको बता रहा था उस पौधे का नाम है पाइसेंटिया फायरबॉल। फायरबॉल यानी कि आग का गोला, जो कि नाम से ही पता चल रहा है। तो आइए अब मैं आपको उस प्लांट की ओर ले चलता हूँ। दोस्तों, जैसा कि इसका नाम है पाइसेंटिया फायरबॉल, अब आप इसको देख रहे होंगे, ये बिल्कुल लाल रंग का एक बॉल का शेप लिए हुए इसका फूल रहता है। ये मैं आपको एक दूसरा फूल दिखाता हूँ, और ये आप इसका पौधा देख सकते हो, जिसमें कि बहुत सारी जो हैं रेड कलर के फूल आए हुए हैं। इसमें पतझड़ भी आता है, इसलिए आप इसमें कम पत्ते देख रहे होगे। तो फरवरी मार्च के टाइम पे इसमें ये लाल रंग के फूल आने शुरू हो जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों, पाइसेंटिया फायरबॉल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जो आप देख रहे होगे रेड रंग की, देखने में बहुत ही सुंदर और शाइनिंगली हुए होती हैं, ये जो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों, ये जो पंखुड़ियाँ हैं ये फूलों की तरह दिखाई देती हैं, लेकिन आपको ये जान करके हैरानी होगी कि ये पंखुड़ियाँ जो हैं फूल नहीं हैं। ये पंखुड़ियाँ मात्र लाल रंग की पौधे की ये जो पंखुड़ियाँ हैं, ये ऊपर पत्तियों का एक झुंड है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये टहनी के छोर पर ये होते हैं, ये एक पत्तियाँ ही हैं, लेकिन इनका रंग जो है अलग है, इसलिए ये फूल जैसे लगते हैं। फूल नहीं हैं, ये हैं इनकी पत्तियाँ ही। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको जो आज एक पौधा दिखाने वाला हूँ ये बिल्कुल अनोखा है अपने आप में। और दोस्तों, ये पत्तियाँ ही जो हैं गुच्छे का रूप ले लेती हैं और बहुत ही सुंदर लगती हैं, मज़ा आ जाता है बिल्कुल। अगर आप भी इस पौधे के पास यहाँ पर होते तो आपको बहुत मज़ा आने वाला था इसे देखने में। तो दोस्तों, अब मैं इसको आपको इसको लगाने के लिए और इसके रख रखाव के बारे में भी मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा, अगर आपको अच्छी लगे तो। तो दोस्तों, अगर आप इसको ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो दोमट मिट्टी में लगा दीजिए, और इसके अलावा ये बहुत सारी मिट्टियों में सर्वाइव हो जाएगा। लेकिन आप इसको सेमी छायादार जगह पर ही लगाइएगा, जहाँ पर कम से कम आधा दिन धूप मिल जाए और आधा दिन इसको छाया मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में अगर आप इसको लगाएंगे तो वैसे तो हो जाता है, लेकिन पौधे में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना कि आपको एक छायादार और धूप मिश्रित जगह में लगाने पर आएगा। अब मैं आपको इसकी पत्तियां भी दिखा देता हूं, क्योंकि अगर आप इस पौधे को कहीं से लाएं तो आपके पहचान में आ जाएगा। वैसे ये नर्सरी आदि में बड़ी मुश्किल से ही मिलता है, हो सकता है मिल जाए आपको। तो बरसातों में एक कटिंग आप इसकी लगा सकते हैं। जड़ से मैं आपको दिखा देता हूं, कोई इतना बहुत भयंकर पौधा नहीं होता है ये, बस ऐसी 4-5 फीट के लगभग लगभग ये रहेगा। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत नहीं होती है, यह हल्के टाइप का ही होता है। और अगर आप इसको गमले में लगाना चाहते हैं, फिर आपको लगभग इतना बड़ा गमला ले लेना चाहिए। मेरे पास तो ये डिब्बा काटा हुआ है, लेकिन मैं गमले में नहीं लगाता, मैंने इसे कंपोस्ट खाद के लिए यूज किया हुआ है। अगर आप गमले में लगाते हैं तो आपको गमले की मिट्टी में कोकोपीट वगैरह और वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, और अगर आप घर में बनी हुई NPK डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आपको बनाना NPK बनाना नहीं आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा। और ज़्यादा कुछ बीमारियां तो इस पौधे पे मैंने देखी नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ ये ज़मीन पे लगा हुआ है। और अगर होती भी हैं तो कीटनाशक और फंगिसाइड आप डाल सकते हैं, या फिर आप दीमक वाली स्प्रे भी डाल सकते हैं अगर कभी ऐसा होता है तो। फूल आने के बाद जब इसमें फूल आने बंद हो जाएंगे तो आप इस पौधे की कटिंग कर दीजिएगा। अगर कटिंग हो जाएगी तो ये नेक्स्ट टाइम इसमें जो है नई नई
डंडियाँ कल्ले इसके आएंगे और उन्हीं के छोर पे ये फूल भी लगते हैं तो ये और सुंदर लगेंगे। जो लोग बार बार पौधे नहीं लगाना चाहते हैं उनके लिए ये एक बारहमासी पौधा होने वाला है जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसको लगा दीजिए अपने वहाँ। और मेरे को अगर आपको आज का वीडियो सही लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।